आपकी गाड़ी तो आपको लेने नहीं आई है फिर। मैं नहीं चल रही छोड़ने। नहीं जी, मैं तो नहीं चल रही। तो आज था मंडे और आज हेल्पर ने छुट्टी की हुई थी, वो आई नहीं थी, तो यहाँ पे बस मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया। तो उसके बाद अनाया भी लेकर आ गई थी, अब यहाँ पे अनाया भी मेरी हेल्प कर रही है, झाड़ू लगा रही है। सलाम, आ जाओ इकराश। हाँ, इकराश ने ड्रेस चेंज की है ना, सुबह ब्लू पहन कर गया था। इकराश, स्कूल में क्या हुआ था? हाँ, वाटर स्पॉरिश पार्टी। फिर में टब में नहाए थे वाटर, पानी में? अच्छा जी, पानी में नहाए थे। और क्या क्या किया था? तीन टब थे। और क्या क्या था? वाटर गन से। अच्छा, वाटर गन भी थी, उससे भी पानी आप लोगों ने एक दूसरे को मारा। अच्छा मुंता, आप लोगों ने आज क्या किया स्कूल में, समर कैंप में? स्कूल में थोड़ी देर के बाद पहले पेंटिंग करवाई, और पेंटिंग थोड़ी रहती थी, ब्रेक टाइम हो गई, ब्रेक करवाई, ब्रेक के बाद दोबारा पेंटिंग करवाई, बाहर करवाई थी, फिर बाहर पेंटिंग पूरी हो गई। उसके बाद सुनो, ओ नो नो, उसको खोल के दो ना, खोलो ना। हम गेम खेलने वाले, तो हम पूछ रहे कौन सी, तो टीचर ने सुना ही नहीं, तब ना गेम शुरू हो गया। एक पीछे पीछे दूसरों को देना था, तो पहले जिस पे गाने में, अगर गाने स्टॉप हो जाते थे उसी बंदे में स्टॉप होता था। पहले अब्दुल्ला हाथ पर स्टॉप हुआ, पहले अब्दुल्ला हाथ पर स्टॉप हुआ। कौन सा अब्दुल्ला हाथ? मेरा भाई। आपका भाई? अच्छा, मैंने समझा अब्दुल्ला हाथ आपकी क्लास वाला। और फिर थोड़ी देर के बाद मुझ पता नहीं अलीना पे हुआ, अलीना पे, पर टीचर लेकिन हम दोनों, अलीना मुझ पे दोनों पर हुआ था, पर टीचर ने कहा दोनों आ जाओ, तो हम दोनों आए। तो फिर ना अलीना है ना, वो वापस बैठ गई, कह रही मुझे नहीं करना, टीचर ने कहा डांस करना है। तब मैंने कहा टीचर थोड़ा आता है, तो टीचर ने कहा ठीक है चल जाएगा। फिर मैंने कहा बम बम वाले में, टीचर ने कहा ठीक है, तो डांस किया, टीचर ने कैटरिंग करवाई। अच्छा जी, डांस में इतना मज़ा आया, जंपिंग वाला था, बम बम वाले में मज़ा आता है। अच्छा, आपको क्या करना है? चलो जाओ, बैग उतार, बैग भी नहीं उतारा अभी तक, बैग तो उतारो। गीले कपड़े? हाँ, ये गीले कपड़े दो उधर, ये वो उसने सुबह ये ब्लू कपड़े पहन कर गया था ना, दूसरे राग ब्लू, फिर वाटर पानी में नहाए तो ज़ाहिर बात है कपड़े गीले हो गए, तो उसने फिर अब दूसरे कपड़े चेंज किए, अब गीले कपड़े। चलो उसको बाहर रखो, बैग से लंच निकालो, पानी की बोतल निकालो। और यहाँ पे अनाया क्या कर रही है? अनाया बिस्किट खा रही है। और देखो अनाया ने भी इधर फिर से बेड पे पानी गिरा दिया। एक तो अनाया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी, आज का यहाँ से अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी है जी दोपहर का ही टाइम है, और इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है, तोबा तोबा तोबा। और अभी भी हमारा चल रहा है जनरेटर, और आज तो ना लाइट है ना गैस है, पानी, शुक्र हमारे पास पानी है, क्योंकि हमारे पास बोर है, वरना दूसरे घरों में पानी का भी बहुत इशू है। आज तो पूरा गुलशन नदी फेज़ वन फेज़ टू, ना लाइट है ना गैस है ना पानी। और तो सुबह अचानक गैस चला गया है, और फिर ना हमने खाना वगैरह भी नहीं बनाया,
तो फिर हमने बाहर से रोटी लिए और घर में चटनी वगैरह बना दी और फिर बस उसी से हम लोगों ने खा लिया। और सिलेंडर पे हम लोगों ने खाना नहीं बनाया, सिलेंडर पे अंडा इतनी देर से पकता है इतना पता नहीं क्या है, तो बस बच्चों के लिए मैंने अंडा सिलेंडर पे पका लिया और बच्चों ने ब्रेड के साथ खा लिया, मैंने भी ब्रेड के साथ अंडा खा लिया और बस फिर हमारा अभी तो गुजारा हो गया। और इतनी गर्मी और सिलेंडर पे फिर खाना बनाना और भी मुश्किल, क्योंकि जो खाना गैस पे जल्दी बन रहा सिलेंडर पे 2 घंटों के बाद बन रहा था, तो फिर इसलिए हम लोगों ने उस पर नहीं बनाया और बस रोटी हम लोगों ने बाहर से ले ली और बच्चों ने ब्रेड खा ली, मैंने भी ब्रेड खा ली। और इतनी गर्मी है तोबा-तोबाश, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अभी भी मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं। और अभी भी हमने जनरेटर खोला हुआ है और बस अभी बच्चे बैठे हुए हैं, अभी बोल रहे हैं बाहर जाएं, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा धूप है, तो यहाँ पे 6:30 हो जाते हैं तभी तक इतनी ज़्यादा धूप होती है। तो बस अभी इनको खाना है मैंगो बच्चों को, तो अभी मैं जा रही हूँ उनको मैंगो काट के दे रही हूँ। ममता अभी भी आ रही थी, मुझे आवाज़ें दे रही थी मम्मा मुझे मैंगो काट के दें, तो बस अभी उनको मैं जल्दी से मैंगो काट के दूँ और बाकी बातें आपसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टैंड फैन लेकर आ गई थी, रात को इतनी शदीद गर्मी हुई थी, उसके बाद फिर मैंने नाया के लिए स्टैंड फैन रखा था। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ बाहर अब्दुल अहद और हम दोनों अभी जा रहे हैं बाहर और देखते हैं अब्दुल अहद क्या ड्रेस लेता है, कौन सा सैंडल लेता है, क्या कपड़ा लेता है। तो बस अभी मैं बाहर जा रही थी और अनाया भी नीचे खेल रही थी, तो उससे छुप छुप के मैं भागी थी और फिर ना कि अनाया देख ना ले, तो फिर मैं और अब्दुल अहद आ गए थे। अभी हम लोगों ने डिनर्स पे अब्दुल अहद ने शलवार कमीज ली, उसके बाद फिर स्टाइलो पे आ गए हैं। और स्टाइलो की तो कंप्लीट वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी और अभी तो इनकी न्यू कलेक्शन भी सारी आई हुई थी और सारी न्यू कलेक्शन भी थी, तो फिर वो बहुत बड़ा लंबा ब्लॉग हो जाता था और इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मैं अनाया को भी अकेले छोड़ के आई हुई थी क्योंकि वो अभी खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो आज अब्दुल अहद के सैंडल और कपड़ों का काम कर लेते हैं। तो बस इसलिए ज़्यादा फिर व्लॉग मैंने स्टाइलों पे नहीं बनाया था। फिर अब्दुल अहद ने सैंडल ले लिए, अपने कपड़े वगैरह ले लिए, उसके बाद फिर हम लोग रिक्शा में बैठ गए और बस अभी घर की ओर आ रहे थे, क्योंकि है ना बच्चों को खाना भी देना था तो उस वजह से। और यहाँ पे बस मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं और बच्चे अभी स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे स्नैप्स रेडी हो गए हैं, ड्रेस पहनी है ना रे क्रश। तो बस उसके बाद स्टाइलो के शॉप से हम लोग वापस आए थे, तो घर आई थी, बच्चों को लगी थी बहुत भूख और तकरीबन 7:30 तो हो ही गए थे और गैस भी आ गया था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए आलू चिप्स और रोटी पकाई। और बाहर से भी आई थी, थकी हुई भी थी और बहुत ही गर्मी थी, और बस फिर मैंने व्लॉग वहाँ पे नहीं बनाया, बस जल्दी से बच्चों को खाना बना के दिया, उसके बाद बच्चों ने खाना वाना खाया और बस फिर रात को हम लोग सो गए थे और सुबह फिर उठे थे। और बच्चों का अभी यही था कि समर कैंप के लिए उनको रेडी होना था और बच्चे अभी रेडी भी नहीं हुए थे कि एक मैड आ गई थी सुबह सवेरे और बस एक रश खड़ा हुआ था, जा रहा था उसी टाइम पे और फिर सामने सारा दरवाजे के ऊपर पास मैड ने किचरा कर दिया। मैंने कहा साइड पर तो कर दें आप, तो वो अभी बोल रही मुझे आपके कमरे में से झाड़ू लगाना है, वहाँ से लगा के फिर मैं बाहर लेकर जाती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैड भी आ गई है, अभी वो सफाई भी कर रही है और बच्चे भी अभी स्कूल गए हैं और अनाया और दूसरे गेस्ट हमारे अभी हैं घर पे, वो बाहर बैठे हैं सारे बातें वगैरह कर रहे हैं। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।